खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। विशाल पटेल के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहाड़ों की रानी मसूरी के कुलड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने राधा कृष्ण मंदिर में तीज उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी करने के साथ ही जमकर नृत्य किया। इस मौके पर महिलाएं सज धज कर आई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल की पत्नी तनु उनियाल का गुलदस्ता देकर और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं अन्य अतिथियों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका लक्ष्मी उनियाल ने कहा कि तीज का पर्व महिलाओं के सुहाग का पर्व है, जिसमें अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की जाती है और महिलाएं श्रृंगार कर आती हैं, कार्यक्रम में भागीदारी करती हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें महिलाओं ने प्रतिभाग किया। वहीं इस कार्यक्रम में रैंप वॉक का भी विशेष आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर आयोजक सुषमा ने कहा कि कार्यक्रम सीमित साधनों से किया जा रहा है। महिलाओं ने तय किया कि यह घर की जगह सभी महिलाओं को एकत्र कर लिया जाए, क्योंकि उसका अलग आनंद होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। तीज का प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिकल चेयर्स हैं हमने, और बहुत सारे गेम्स वगैरह रखे हैं, तीज क्वीन रखी है। लेकिन हमने इस बार मसूरी में, मुझे लगता है कि जो पहली बार होने जा रहा है, हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए एक रैंप वॉक रखी है, तो जिससे कि सारी महिलाएं रैंप वॉक करेंगी और देखते हैं जिसकी वॉक बहुत बेस्ट होगी उसे प्राइज दिया जाएगा। महिलाओं के अलावा आपके पुरुषों के लिए भी कोई कार्यक्रम रखा है? भैया हैं मुख्य आप लोग हमारे पत्रकार भाई जन हैं। इसमें हमने दो तीन चीज़ों का प्रोग्राम कर रखा है। म्यूजिक चेयर का है, मिस जो अच्छी बहुत खूबसूरत अच्छी तीज क्वीन बन के आएंगी, जो जिनका ड्रेसअप अच्छा होगा। चार पांच प्रोग्राम बस हमने ये दोनों ने मिलके करा है। ये इसलिए करा ना, ने किसी हमारा किसी ऐसी संस्था या गुस्से नहीं, ये हमने अपनी खुशी के लिए जो हमने अपने घर में करना था, बस हमने इतनी ही महिलाओं का प्रोग्राम रखा था 15-20 का, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे उनियाल जी की वाइफ और सभासद लेडीज़ को बुला रखा था। भैया आजकल तो जो भी त्यौहार है आप देख लो, आप दिवाली से लगा लीजिए, दिवाली भी पहले गढ़वाल में कैसे खेली जाती थी और यहाँ कैसे खेली जाती है, और इसी तरह से अब ये भी एक त्यौहार ऐसा जैसे करवा चौथ का होता है, उसी तरह से हमने इसे मनाने की कोशिश करी है। और हम चाहते हैं दोनों के आगे हम हर प्रोग्राम ऐसी, हमने ना किसी से कुछ कहा है, जिसने दिया अपनी श्रद्धा से दिया, हम दोनों ने ऐसे ही करके कराया।